रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे न सिर्फ यूक्रेनी ड्रोन को खाक किया जा सकेगा बल्कि रूस में हो रही तबाही को भी रोका जा सकेगा, और ऐसा एक जानवर के जरिए किया जाएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कौन सा है वो जानवर जो रूस के लिए बना है सुरक्षा कवच। ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक से यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचाई है। एनर्जी सेक्टर से लेकर सैन्य ठिकानों तक यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन कोहराम मचा रहे हैं। यूक्रेन के इन हमलों को रोकने में नाकाम रूस ने एक नया प्लान बनाया है। अब रूस भेड़ियों को फ्रंट लाइन पर भेज रहा है, जिससे ड्रोन हमलों को नाकाम किया जा सके। अब सवाल ये, आखिर कैसे भेड़िए ड्रोन अटैक रोक सकते हैं? दरअसल भेड़ियों में खतरे को भांपने की गजब की शक्ति होती है। वो खतरा भांपते ही जोर जोर से आवाज निकालने शुरू कर देते हैं। ऐसे में कामिकाज़े ड्रोन की आवाज सुनकर ये खतरे का संकेत तुरंत दे सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके लिए एक ट्रेनर भी रखा गया है, जिसका नाम अलेक्जेंडर कोंचकोव है। उसने साइबेरिया से रेस्क्यू कराए गए दो भेड़ियों पर एक्सपेरिमेंट किया जो सफल रहा। भेड़िए बारूद की गंध और ड्रोन की आवाज सुनकर तुरंत जोर जोर से आवाजें निकालने लगे, जिसे एक खतरे के तौर पर माना गया। अभी दो भेड़ियों को फ्रंट लाइन पर भेजा गया है, जिसमें से एक का नाम विसोटा है। अगर भेड़ियों की सुपर पावर की बदौलत यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रूसी सैनिकों की जान बचाई जा सकती है, अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो रूस जल्द ही एक भेड़िया बटालियन फ्रंट लाइन पर तैनात करके यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।